श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। हम अपने घर में बरकत लाने के लिए क्या नहीं करते, बहुत सारे उपाय करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, हर कार्य को संभव कोशिश यही करते हैं कि हमें इससे अच्छी धन प्राप्ति हो। नौकरी व्यवसाय से सब क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता। और क्यों ना हो, हर कार्य हमारा धन के कारण ही संभव है। जिसके पास धन है वह हर तरह से हर कार्य में आगे हो जाता है। और साधारण व्यक्ति जब धन की ज़रूरत होती है तो परेशान होता रहता है। हम रविवार के दिन कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे घर में बरकत बढ़ जाए। हम रविवार का दिन सूर्य नारायण को समर्पित होता है। यदि हम इस दिन आदित्य स्त्रोत का पाठ करते हैं तो यह बहुत लाभकारी होता है। हम इसके लिए सर्वप्रथम स्नान करें। सुबह थोड़ा जल्दी सूर्योदय से पूर्व हमें स्नान कर लेना चाहिए। सूर्योदय होने पर सूर्य नारायण को जल समर्पित करें। हम थोड़ी सा लाल चंदन हमारे कलश में, जो सूर्य नारायण को समर्पित करने वाले हैं जल, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें। और जल समर्पित करने के बाद हम आदित्य स्त्रोत का पाठ उसी स्थान पर बैठ के करें। ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो सूर्य नारायण की बहुत कृपा होती है, साथ ही भोलेनाथ की भी बहुत कृपा होती है यह उपाय करने से। और ऐसा भी कहा जाता है, यदि हम रविवार के दिन कुछ नया कार्य शुरू करने के लिए निकलने वाले हैं, कोई ऐसा कार्य जिसमें हमको सफलता चाहिए, तो हमें कुछ मीठा खाकर, कुछ थोड़ा सा जल उस पर पीकर, पानी पीकर निकलना चाहिए। हमारा वह कार्य अवश्य सिद्ध होता है, पूरा होता है। साथ ही यदि हम रविवार के दिन एक बड़ के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर, जो भी हमारी मनोकामना बहुत समय से यदि अटकी हुई है, कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा, हम परेशान हैं, तो हम वह मनोकामना यदि बड़ के पत्ते पर लाल शाही से लिख दें और उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, तो हमारा वह कार्य अवश्य पूरा होता है। आप इन उपायों को, छोटे छोटे उपायों को अवश्य करें और करके जो भी कार्य आप, जो भी आपकी मनोकामना है, आप पूर्ण करें। आप पर, आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।